आप लोगों ने मेरे काफ़ी सारे वैक्सीन के वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस वैक्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप लोग ये वाली वैक्स यूज करोगे तो आपके कितने भी छोटे से छोटा बाल हो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल वैक्स यूज करें, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो फुल ग्रोथ है तो हम लोग सिंपल वैक्स भी करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारे बाल निकल जाते हैं। और अगर हमारे बाल, जैसे कि अभी क्लाइंट ने 15 दिन पहले, हफ्ता भर पहले वैक्सिंग कराई है और उसकी ग्रोथ अभी बहुत छोटी है और उसे फिर से वैक्सिंग करानी है छोटे बालों की, यानी कि ग्रोथ अभी पूरी नहीं आई है और फिर भी वैक्सिंग करानी है, तो ऐसे बालों पर हम कौन सी वैक्स यूज करें? तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि इनकी ग्रोथ जो है, कुछ बाल अभी बहुत छोटे हैं और कुछ थोड़े से बड़े हैं, निकल गए हैं और कुछ नहीं निकले हैं। तो इस तरीके के बालों पर आप लोग रीका वैक्स यूज करें। मैं यहाँ पर जो रीका वैक्स यूज कर रही हूँ, यहाँ ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, प्लेन है, या फिर कई सारे में एलोवेरा भी है, काफ़ी सारे इसमें फ्लेवर्स आते हैं। फ्लेवर्स तो आप लोग अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट है क्योंकि कितना भी छोटा बाल हो बहुत ही इजीली निकल जाता है और बहुत दर्द भी नहीं होता। जैसे कि सिंपल वैक्स करते हैं ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर फुल ग्रोथ पर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट भी होती है, और जो है अगर हम बरसात के मौसम में या फिर बिना एसी के हम लोग वैक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सिंपल वैक्स में। वैसे मैंने सिंपल वैक्स के भी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं कि हम लोग किस तरीके से करें ताकि हमारी सिंपल वैक्स भी जो है अच्छे से काम करें और हमारे बाल जो है इजीली रिमूव हो जाए। लेकिन रीका वैक्स जब हम लोग करते हैं तो इसमें छोटे से छोटा बाल जो है बहुत ही इजीली निकल जाता है, लेकिन इसे इसे करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एक तो जब हम इसको छुड़ाते हैं तो हमें पानी से नहीं छुड़ानी। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ छुड़ाने का तरीका, बाद में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हम लोग करने का तरीका बताते हैं। तो हमेशा वैक्स करते वक्त जब भी हम लोग पट्टी खींचते हैं तो एक तो ध्यान रखना है कि स्किन को बहुत ही टाइट करके पकड़ना है, क्योंकि जब हम रीका वैक्स हो या फिर कोई भी वैक्स हो, स्किन हमारी लूज नहीं होनी चाहिए। स्किन लूज होगी तो हमारे जो स्किन है उस पर रैशेज पड़ने का या फिर स्किन पील होने का डर रहता है। एक जब हम वैक्स करते हैं तो हमें बार बार एक ही जगह पर वैक्स नहीं करनी है, उससे भी हमारी स्किन जो है पील हो जाती है कई बार और निशान भी पड़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत सॉफ्ट है, तो वहाँ पर बहुत ही छोटा सा स्ट्रोक्स लगाएं और पट्टी जो है आसानी से, लंबी पट्टी जो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे हैंड का जो ये मूवमेंट करने का जो यहाँ पर जोड़ होता है, यहाँ पर हम लोग बहुत छोटा स्ट्रोक लगाएं क्योंकि यहाँ की स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है फ्रंट पर। बाकी के पूरे एरिया पर हम लोग पूरी पट्टी लगा सकते हैं, पूरे हाथ पर वैक्स लगा सकते हैं एक साथ में और पट्टी जो है फटाफट से खींच सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव एरिया पर जो है छोटे स्ट्रोक्स लगाएं, जैसे कि हमारा ये फ्रंट का एरिया हो गया जहाँ पर हमारा हड्डी का जो जोड़ होता है यहाँ पर, और एक हमारा जो आर्म्स होते हैं अंडर आर्म्स के नज़दीक जो हमारी होता है वो जो स्किन हमारी थोड़ी सी लूज होती है ना, लटकी हुई सी जो स्किन होती है, कई बार 40+ लेडीज वैक्स कराती हैं तो उनकी स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो उस स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ करके जो है पट्टी खींचे, और बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी ना खींचे वरना जो है कई बार मैंने देखा है कि निशान पड़ जाते हैं और स्किन जो है पील हो जाती है, अंदर से रेड रेड सा जो है स्किन दिखने लगती है। तो ये वाली वैक्स मैंने यहाँ पर यूज की है और इसे हमेशा ऑयल से ही रिमूव करेंगे, पानी से रिमूव नहीं करते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।